नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कानपुर के बारे में। फ्रेंड्स, कल भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ANM GNM में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो सभी अभी निराश ना हो, अभी आपके लिए एक मौका है। अगर आपको OT टेक्नीशियन या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कोई भी इन दोनों में से कोर्स करना है, काफ़ी कम रूपों में गवर्नमेंट सीट है, ये 80 गवर्नमेंट सीटें हैं, तो 40-40 दोनों में सीटें हैं, टोटल मिला के 80 सीटें हैं। आप मेरिट बेस पर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वही 10th और 12th का आपका परसेंट जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाती है, और इसमें कम से कम 4 से 5 और कभी कभी 6 मेरिट लिस्ट भी देखने को मिलती हैं। तो अगर आपका 70% है जनरल में, तब भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, तब आपका 60% तक भी इसमें एडमिशन कट ऑफ देखने को मिला है। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसके जो फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो 200 रुपये है, और आज ही इसकी लास्ट डेट है। कल भी मैंने आपको बता दिया, कल जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने वीडियो देख ली, और कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया, तो आज इसकी 25 लास्ट डेट है। तो आज इसका जो फॉर्म है वो अवश्य भर दें, और आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आइए एक बार आपको वो भी लेके चलते हैं, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है, नीचे इसका लॉन करते हुए आना, एक ऑप्शन अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस लिंक पर आपको यहाँ पर ये वाला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 क्लिक हेयर, तो क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आप इसके पेज के अंदर आप एंटर हो जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन अपडेट डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो 25/8/2023 है जो इसकी इसमें लास्ट डेट है, तो देख पा रहे होंगे ये और फीस जमा करने की आपकी लास्ट डेट है। तो इसमें यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जनरल OBC 200 रुपये, SC ST आपका 100 रुपये, कल मैं आपको बता दिया। अनरिजर्व के लिए 18 सीट, OBC के लिए 11, SC ST के लिए 9 और EWS के लिए 2 सीट हैं। सेम प्रोसेस कार्डियो टेक्नीशियन की और सेम OT टेक्नीशियन की लिए है। तो आगे आपको बात कर लें, इसका जो नोटिस आप देख पा रहे होंगे, हृदय रोग संस्थान कानपुर, डिप्लोमा OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियो टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स है, 40-40 सीटें हैं। और इसमें आप देख पा रहे कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2023 से काउंट होगा इसमें। साथ ही साथ इसका मैंने आपको बता दिया है कि शुल्क कितना जाएगा, आवेदन शुल्क, और आपका जो एडमिशन होना है प्रशिक्षण कोर्स में, प्रवेश इंटर के मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपका 12th के परसेंट से ही आपका मेरिट बनाया जाएगा, उसी से आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, सॉरी आपका डिप्लोमा अलॉट होगा। और मेरिट लिस्ट है 30/8 से वेबसाइट पर दिख जाएगी, यानी कि आज आपको 25 हो गया, 5 दिन बाद ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, और मेरिट के आधार पर छात्र छात्राएं की वेबसाइट पर देखी जा सकेंगे, सबका नाम आएगा। यानी छात्र छात्राओं को SMS के माध्यम से रजिस्टर मोबाइल पर भी दे दिया जाएगा कि आप इतना है, और जो आपका जो चयनित छात्र होंगे उनका जो फीस लगने वाला वो 20,000 रुपये, और साथ ही साथ बैंक चार्ज अलग से जमा करना पड़ेगा। और इसके साथ ही मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन शुल्क, ई चालान रसीद को लेकर निर्धारित तिथि तक पैरा मेडिकल कार्यालय 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पहुंचना होगा। सीट की संख्या घट भी सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है, ये इसका पूरा नोटिस है जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे इसमें फीस कितनी लगती है। तो 20,000 रुपये और प्लस बैंक चार्ज, तो लगभग कह सकते हैं कि 21,000 तक आपका पूरा इसमें आपका एडमिशन हो जाता है। ये 1 साल का फीस है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 40,000 रुपये में आपका OT टेक्नीशियन और कार्डियो टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने ANM GNM फॉर्म डाला था और आप का उसमें नंबर नहीं आया, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे देख पा रहे हैं OT टेक्नीशियन की मैंने अभी फिलहाल वीडियो बनाई थी, तो उसकी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं, तो ये भी एक अच्छा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से 70 टाइप के डिप्लोमा आपके हर बार निकाले जाते हैं, हर वर्ष उसके फॉर्म जल्दी आने वाले हैं, उसकी जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है तो हम आपको बता देंगे, तो वो भी आप वेट कर सकते हैं। इन दोनों में आपको अच्छा लगता है ये भी कर सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है, तुरंत इसका फॉर्म फिल कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।